शेरों की शहादत पर नए हिंदुस्तान की हुंकार। नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना। पुलवामा की घटना ने नए हिंदुस्तान को जन्म दिया है। देश प्रेम का ये ज्वार पिछले एक दशक में दिखाई नहीं दिया था। लोगों के आक्रोश ने दिखा दिया कि मां भारती की ओर आंख उठाने वाले को खाक कर दिया जाएगा। ताजनगरी में विरोध किसी राजनीतिक पार्टी के आह्वान पर नहीं था, आम जनता सड़क पर थी। कोई सड़क, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां लोगों में आक्रोश नहीं था। जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे थे, तो कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे। चौराहों की पुतलों की आग से चौराहा ददक उठे थे। पाकिस्तान के विरोध जमकर नारेबाजी हो रही थी और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह चाहार है। चाहार साहब, आज ये क्या रहा? ये जो देश के प्रति, जो जवानों के प्रति, जो पाकिस्तान ने और आतंकवादियों ने जो हमला किया है, उसकी घोर निंदा की गई और अमर जवान शहीदों के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। उनकी आत्माओं के लिए शांति प्रदान और परमात्मा से आस करते हैं को उनको दोबारा फिर भेजना और फिर वो फौज में शामिल होंगे और पाकिस्तान को जवाब देंगे। पूरा देश आग की तरह उगल रहा, परंतु देश की राजनीति इतनी हरामी हो गई, वो पाकिस्तान को जवाब देने से पीछे हट रहे। जब पूरा विपक्ष एकजुट हो गया तो मोदी जी क्यों चुप बैठ गए हो आप? जब देश का जवान, युवा, किसान पूरा रोडों पर है तो आप क्यों चुप रहे हो? इसका भाई तुम्हारी नियत में तो खोट आ गया, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से दे देना चाहिए। अगर तुमने नहीं दिया तो फिर देश तुम्हें जवाब देगा। ज़्यादा दिन अब तुम्हारे बकाया नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा बेटा किसी विधायक का, एमपी का, किसी मंत्री का बेटा अगर फौज में मरता तो जब तुम लोगों को दुख होता, तुम्हें क्या दुख है? किसान मर जाए तो दुख नहीं, और सीमा पर जवान मर जाए तो दुख नहीं। भाई इसका फैसला तुम्हें करना होगा। पूरा विपक्ष एकजुट है, देश का किसान और युवा भी एकजुट है, तो तुम भाग क्यों रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी चौधरी है और आज हमने बड़ी शांतिपूर्वक रोहता चौराहे से लेके और आपका न्यू सुरक्षा विहार तक हमने एक कैंडल मार्च निकाला, और केवल हमारा एक ही उद्देश्य है। हम सरकार से एक ही मांग करना चाहते हैं, आज जो हमारे देश में ये कृतज्ञ और घृणित जो काम हुआ है हमारे सैनिकों के साथ, हम एक ही बात रखना चाहते हैं हमारे माननीय मोदी जी से कि इसका बदला एक बड़ी भयंकर तबाही के रूप में लिया जाए, क्योंकि आगे चल के पाकिस्तान को ये लगे कि हाँ, हिंदुस्तान की तरफ हम आंख उठा के देखेंगे तो हमारा नतीजा यही होगा। और हम चाहते हैं सभी ग्रुपों से, सभी भाई बहनों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपना बहुमत सिद्ध करें। आज आवाज़ हमारी बुलंद करने का एक ऑप्शन हमें मिला है। ये आवाज़ जो है दबनी नहीं चाहिए, जो उठनी चाहिए, ये देश की आवाज़ है, न कि किसी पर्टिकुलर एक आदमी की आवाज़ है। आज अगर नहीं जागे तो कभी नहीं जाओगे। हमारे जो 40 सैनिक जो शहीद हुए हैं, हम जानते हैं हमारे ऊपर क्या बीती हुई है। इस समय पे हम यही चाहते हैं कि 40 के बदले 4000 सिर उनके होने चाहिए। चाहे पाकिस्तान का अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करो या कुछ भी करो, हम केवल यही चाहते हैं कि हमें 40 के बदले 4000 सिर चाहिए। भारत माता की जय। मनमोहन सिंह गौतम। आज आपने जो ग्वालियर रोड पर कैंडल मार्च निकाला है जी, तो इसमें कौन कौन शामिल रहे और किस लिए निकाला? सर्व समाज के सम्मानित लोग शामिल रहे, जो हमारे देश में वीर जवान शहीद हुए हैं उनके लिए कैंडल मार्च निकाला, उनको श्रद्धांजलि दी। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं भारत सरकार से
कि जो हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं 40 की जगह हमें 4,000 शेर चाहिए। मेरा नाम ज्ञानेंद्र मुखिया और आज हमने रोहता चौराहे से लेकर कैंडल मार्च निकाला शांतिपूर्वक तरीके से, और हम संदेश देना चाहते हैं देशभक्ति का कि प्रत्येक युवा के अंदर कितना जोश और कितना जज्बा है देश में मर मिटने के लिए। और मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा, मोदी जी से, हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि देश का हर युवा देश के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है, और अगर जरूरत पड़ी सेना के हमारे साथ में लड़ने की तो हम सेना के साथ में भी लड़ेंगे और पाकिस्तान कायर को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि चार जो हमारे भाई 40 शहीद हुए हैं, हमारे देशभक्त भाई जो 40 शहीद हुए हैं, उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान मिट जाए, कश्मीर तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा। जी, आपने किसका पुतला फूंका आज? आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका गया है, और देश की जनता, भारत देश की जनता मांग करती है कि हमारे जो 40 जवान शहीद हुए हैं, धोखे से इन्होंने जो हमारे 40 जवानों को मारा है, उसके एक शहीद के स्थान पर तीन पाकिस्तान के जवान मारे जाए जब देश का आक्रोश शांत होगा। और देश की जनता बहुत आक्रोश है, सब जगह पुतले फूंके जा रहे हैं, पूरा भारत देश बंद है। इसी उपलक्ष्य को लेकर, इसी उसको लेके, शोक संवेदना को लेके आज NH3 आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करके और पूरा बाजार बंद करा के आज इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया है। हिंदुस्तान का गोयल जी, ये बताएं आज किन का पुतला फूंका गया है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया है, और यहाँ बड़ा आक्रोश हो रहा है, बाजार पूरा हिंदुस्तान बंद, बड़ा पूरा हिंदुस्तान बंद है। NH3 मार्ग पर ये पुतला फूंका गया है, और इतना गंभीर रूप से अब लोग गंभीर हो गए हैं कि हमारे पाकिस्तान के लोगों ने, हमारे देश के हिंदुस्तानी के सिपाहियों को 40 लोगों को धुओं से उड़ा दिया गया था। और इसके बदले हम ये चाहते हैं कि एक हिंदुस्तानी 5 पाकिस्तानियों को मार के दिखाए, और तब हमारा को शांत होगा। पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को चाहता है कि हमारे जो हिंदुस्तान 40 खत्म हुए हैं, हम चाहते हैं कि 500 पाकिस्तानी का सफाई खत्म हुए, तब हमारे देश को शांति मिलेगी। और इसी देश को देखते हुए आक्रोश हो रहा है कि हमारे तब शांति हम लोगों को हमें महसूस होगी, कि हमारे देश को कुछ राहत मिलेगी। और हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी इस प्रक्रिया को तुरंत जारी करें, और तुरंत ही पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी। आपका पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसके एवज में हमने पाकिस्तान का पुतला फूंका है, और आतंकवादियों ने जो पुलवामा में धोखे से हमारे वीर सैनिकों को शहादत जो प्रदान हुई है, धोखे से उन्होंने बम विस्फोट किया है, उसके एवज में हमारे प्रधानमंत्री कोई सख्त से सख्त कदम जल्दी से जल्दी उठाएं। हम उनसे यही विनम्र निवेदन करते हैं।